प्लीज जरा फोटो तो खींचो. अच्छा पुत्र, क्या हुआ? कुछ नहीं अंकल, क्यों? तू ठीक तो है ना? जी. तो समझ गया. मैं समझ गया तेरी मायूसी की वजह. जो बात तुझे बुरी लगी है उसी बात की तकलीफ मुझे. आज जहाँ ये प्रिया बैठी है ना, वहाँ तुझे होना चाहिए था. लेकिन किस्मत कभी कभी ऐसे ऐसे खेल खेलती है कि. आयशा आना. नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है. मुझे अपनी किस्मत से कोई शिकायत नहीं है. दीदी को वही मिला है जो वो डिजर्व करती है. एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर हर. और अगर मेरी किस्मत की वजह से ये हुआ है, मुझे अपनी किस्मत पे गर्व है. ले, ये तो उड़ गई. ओ भाई, मामे की भी तो फोटो होनी चाहिए. ओए, मुबारक भाई, मुबारक, मुबारक जी. ठीक आई ना फोटो? हाँ. Congratulations. Congratulations, Priya. Congrats. चलो भाई, एक फोटो हमारे साथ भी यार. Hi, Shax. I know तुम्हारी सक्सेस पार्टी, लेकिन मैं नहीं आ सकती. क्या? जैज खन्ना. जैज खन्ना. Please try and understand. मेरी एक फैमिली फंक्शन हो रही है. मेरे भाई की एंगेजमेंट. वो भी उस लड़की से जो मेरे होने वाले हस्बैंड की बहन है. Please try and understand. बहुत ही ज़्यादा family scene है. बिल्कुल हम आपके हैं contrives. क्या? Go get me a drink. अच्छा wait, मैं कुछ करती हूँ. तुम इतना insist कर रहे हो तो मैं ना कैसे कहती हूँ. Bye. Excuse me. ये क्या कर रही हो? अपने होने वाले पति को हग कर रही हूँ. Any problem? Yes, I have a problem. Nuts, यहाँ इतने सारे लोग आए हुए हैं. क्या सोचेंगे? हमारी इंगेजमेंट हो चुकी है, हम ये सब कर सकते हैं. हाँ है, लेकिन अकेले में या सबके सामने नहीं. ना जी, आप बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं, वो सही. कार्तिक, हम राम भाई और प्रिया के जैसे बोरिंग कपल नहीं है. पास भी बैठते तो ऐसा लगता है कोसों दूर है. लेकिन
Are you mad, Natasha? So embarrassing. मान जाओ वरना किसी और को पकड़ लूंगी. क्या मजाक करती थी. चलो ना कहीं जाते हैं. पागल हो तुम. ये मेरी बहन की एंगेजमेंट चल रही है और मेरी भाई की भी एंगेजमेंट हुई है. वैसे भी सब कुछ खत्म हो गया. चलो ना मेरे साथ. शेक्स की पार्टी है. द बिगेस्ट डिजाइनर. और एक समय था जब वो मरता था मुझ पर. मैंने कभी घास नहीं डाली. मैं उसे दिखाना चाहती हूँ कि नताशा कपूर ने किसे चुना है. क्या मैं कुछ चीज हूँ जिसकी तुम एग्जीबिशन लगाओगी? इनफैक्ट मैं आज तुम्हें घर लेकर जाने वाला था. आज दी की खुशी में हमने कुल्फी पार्टी रखी है. यू नो दी लव्स कुल्फी. सो यू कम अलोंग. कुल्फी पार्टी. गिव मी अ ब्रेक कार्तिक. बच्चों वाली बात मत करो. मेरे साथ पार्टी में जाओ. और रही बात प्रिया की, तो उसके लिए पार्टी मैं थ्रो करूंगी. सबसे बड़ी द बेस्ट. Are you okay? तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Darling, your drink. You're impossible. I'm leaving. Shacks, 15 minutes. अरे लाओ 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 कैमरा मुझे दो. लाओ दो. चलो अब तुम दोनों की एक एंगेजमेंट पिक्चर. अरे यार तुम दोनों पासपोर्ट फोटोग्राफ थोड़ी खिंचवा रहे हो. प्रिया देखो राम का साइज देखकर तो तुम्हें लग ही रहा होगा अगर अकेला इसको मैं खींचूं तो भी ये फ्रेम में नहीं आता. ऊपर से तुम इतनी दूर बैठी हो. कौन यार थोड़ा पास बैठो ना. अरे थोड़ा और पास आओ यार. इट्स अ रोमांटिक पिक्चर प्लीज. नेहा ये ऐसे नहीं मानेंगे. परफेक्ट. ओके आई एम सॉरी सॉरी सॉरी. सेंस ऑफ ह्यूमर तो बिल्कुल है नहीं. आई एम सॉरी अगर मेरी गलती आप लोगों को पसंद नहीं आई बट टू बैड. अब चलो प्रिया तुम्हारा कमरा हम देखते हैं. राम कमरा दिखाओ. कमरा दिखाने की क्या जरूरत है? क्यों कुछ दिनों बाद तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो वो कमरा इसका भी कमरा हो जाएगा है ना? कुछ ही दिनों बाद. शादी अभी हुई नहीं है अभी सगाई हुई है. तो कमरे में क्या है देखने को? एक बिस्तर है बाथरूम है लैंप्स है कुर्सियां हैं बहुत सारी किताबें हैं. व्हाट्स द बिग डील? बकवास मत करो राम. और तुम किसकी बातों में आ गई हो? तुम चलो मेरे साथ. अरे मैंने कहा ना यार कमरे में देखने लायक कुछ नहीं है. सब कुछ तो बता दिया मैंने. अरे लेकिन जो कुछ भी है ये डिसाइड करेगी ना क्या रखना है और क्या फेंकना है. ये डिसाइड करेगी मतलब? अरे अरे ये क्या बात है. अरे वो कैसे डिसाइड करेगी कि क्या रखूं और क्या फेंकूं? रिलैक्स कर यार अब तेरी शादी हो रही है ये सब के लिए यूज्ड टू हो जा समझ गया? अरे चुप यार. हेलो. अरे सुन तो. सो मिसेस जाफरी मैंने एकदम सही न्यूज दी थी ना. ओ यू आर सो सुपर्ब मिसेस धनराज के. आपको पता है उस एक न्यूज से मेरा कितना. हाय मिस जाफरी. नो इट्स थैंक यू. सो हाउ आर यू? I'm very well. आपका जो पेपर है really I'm very proud of you. इतना अच्छा आइडिया है आपका पेज 3. Wow. देखिए मैं तो ना मॉर्निंग टी भी नहीं लेती हूँ. सबसे पहले मैं पेज 3 पढ़ती हूँ. क्या बोल रही हैं आप? Really? So sweet. अब देखिए लेकिन should I suggest you something? Oh yeah, why not? देखिए मुझे लगता है कि उसमें जो कुछ आपको history मतलब past का भी कुछ प्रिंट करना चाहिए. पास पब्लिश. हाँ लाइक जैसे लोगों ने हिस्ट्री क्रिएट की हो. लाइक आई वाज मिस भुवनेश्वर एक्स मिस भुवनेश्वर. तो कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी कुछ छापना चाहिए है ना? व्हाई नॉट. आई विल डू दैट. आई विल टेक योर सजेशन फॉर श्योर. ओके इफ यू वांट माय बायोडाटा और समथिंग सो यू कैन. थैंक यू सो मच. आई विल आस्क फॉर दैट. थैंक यू. बाय बाय. कहाँ
ऐसी हुई मेरी सगाई. Great, yeah. So this one is for new sagai check. Cheers. वैसे नट्स, तुम्हारा फियांसे है कहाँ? Actually उसके बारे में इतनी बातें हो रही हैं कि you mean pitching? कौन क्या बोल रहा है मेरे फियांसे के बारे में? यही कि वो मिडिल क्लास फैमिली से है, ऑर्थोडॉक्स और ओल्ड फैशन्ड है. हमारी तरह क्लब्स और पार्टीज में नहीं जाता है ना. So he's still the best. तुम लोग देखोगे तो होश उड़ जाएंगे. He's hot, isn't he? Yes, girls. He's very hot. मैं तो उसे देख के ही पिघल जाता हूँ. He's so hot. बहुत ज़्यादा नहीं हो गया? Welcome to the party. Hey. You're looking so pretty, yeah. Always. But there's something missing. तुम अपने साथ अपनी चीज़ नहीं लाई? Cheese? Yes, the one you were supposed to make us meet. I mean, जिसके लिए तुमने उस आकाश को छोड़ दिया. Where is he? We are so eager to meet him, right? थोड़ा सा और इंतजार कर लो, आ जाएगा. Right? Okay. तो हम यहाँ वेट कर लेते हैं उसका, और वो जैसे ही आता है तो हम ये तय कर लेते हैं कि वो वाकई में सुपर हॉट है या सेमी हॉट. कार्तिक को लेकर आओ. But how, darling? मैं नहीं चाहती. I want to know. कैसे करते हो ये तुम पर डिपेंड करता है. और अगर तुमने नहीं किया तो समझ लो तुम हार जाते हो. Darling, go. Welcome. ये है राम का कमरा और अब तुम्हारा कमरा. काफी साफ सुथरा है ना? That's because he's particular. और जो खुद साफ नहीं करता ना बंसी काका कर देते हैं. तुम्हारी नई फैमिली, इन सब से तो तुम मिल चुके हो, और बाकी जो एक आध बचा है ना उनसे भी जान पहचान हो जाएगी. Very nice. वैसे प्रिया, तुम्हें कैसा लगा अपना फ्यूचर कमरा? अच्छा है, थोड़ा डार्क है लेकिन अच्छा है. बड़ा है, वैसा ही है जैसे इन्होंने डिफाइन किया था. बेड है, टेबल है, लैंप है, अलमारी है, सोफा है, बाथरूम है, और हाँ, और बहुत सारी बुक्स भी हैं. अरे शेक्सपियर भी है. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. वो एक्चुअली इसका टेस्ट थोड़ी है. वो तो जिस डिजाइनर ने कमरा डिजाइन किया था ना उसने बोला कि ये किताबें यहां रख दो अच्छी लगेंगी, तो इसने रखवा दी. एक्सक्यूज मी, सब कुछ बताना जरूरी है. प्रॉब्लम क्या है यार? अभी प्रिया की तरह शादी होने वाली है ना, तो मालूम होना चाहिए, राइट? वैसे इन किताबों में से इसने कुछ पढ़ा नहीं है. और वैसे भी प्रिया, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के. हाथी बोल रहा मुझे. अरे अरे, तेरे को हाथी बोल सकता हूँ मैं क्या? मैं तो वो बुक्स को हाथी के दांत कह रहा हूं. यू बिहेव योरसेल्फ. वैसे भी मुझे नहीं लगता कि किताबें पढ़ने की जरूरत है. आईपैड रहता है 24 घंटे मेरे सामने. एक क्लिक लगाता हूं तो जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए मेरे आंखों के सामने आ जाती है. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स द बिग डील. व्हाट रबिश. प्रिया, उल्टी है. उल्टी उल्टी है. तुम्हें बारिश पसंद है? हाँ. आओ, I want to show you the view. You know, इस खिड़की के बाहर जब भी बारिश आती है इतना खूबसूरत नजारा होता है. It's beautiful. उल्टी है. I'm sure, लेकिन ये खिड़की तो हमेशा बंद ही रहती होगी ना.
हर चीज सीधी अपनी जगह में पसंद। मैं याद रखने की कोशिश करूंगी आइंदा। कुछ कुछ खाने पीने के लिए मंगाऊं? हाँ, ड्रिंक्स या चाय फॉर मी। राम के रूम में जरा ड्रिंक्स और स्नैक्स ले आओ प्लीज। थैंक यू। यहाँ खाना फोन पे ऑर्डर होता है? आई मीन नीचे से ऊपर तक? हाँ, वो घर बहुत बड़ा है इसलिए इंटरकॉम के बगैर एक दूसरे से बात कैसे होगी। हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता। मैं तो जब किचन में खाना बनाती हूँ, खाना तैयार होते ही सबको आवाज दे देती हूँ। सब लोग आ जाते हैं 10 मिनट में और साथ में बैठ के खाना खाते हैं। I think प्राइवेसी ही जरूरी है ना हर किसी के लिए। अगर प्राइवेसी का मतलब एक दूसरे से दूर हो जाना है तो ऐसी प्राइवेसी ना होना ही अच्छा है। बट ऑफ कोर्स ये मेरी राय। क्यों ना मैं तुम्हें राम की वार्डरोब दिखाऊं? नो इट्स ओके। नो नो इट्स वेरी नाइस, यू नो ही इज वेरी नीट, सारे कपड़े अपनी जगह पर रखता है। हासी, अरे रहने तो। अरे बहुत नीट है, देखा? यू नो इस वक्त तो राम ने पूरा वार्डरोब इस्तेमाल किया है, लेकिन शादी के बाद आधा वार्डरोब तुम्हारा हो जाएगा। आधा? एक्चुअली आधा नहीं, 3/4 वार्डरोब तुम्हारा हो जाएगा। क्यों? देखो, औरतें जो होती हैं उनका सामान मर्दों से ज्यादा होता है और इसीलिए हमें ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है। वैसे मैंने भी विक्रम को सिर्फ एक आधा शेल्फ सी दिए हैं, एंड इज परफेक्टली ओके विद इट, है ना बेबी? हां। ओ बेबी, तो आप अपना बाकी का सामान कहां रखते हैं बेबी? क्या करें यार, शादी के बाद एडजस्ट करना पड़ता है ना, तू समझ जाएगा। अभी तेरी शादी होगी ना फिर देख। और वैसे भी औरतों का सामान तो ज्यादा होता ही है। देख, डोंट बी सरप्राइज अगर तेरी 3/4 अलमारी जाने के बाद भी क्या की चीजें तेरे हिस्से में मिले। हाँ देख राम, मैं समझ सकता हूँ कि तू अपने कमरे को लेकर बहुत पॉसेसिव है, लेकिन यार अब शादी के बाद ये सब बदलना पड़ेगा ना तेरे को। देख, यहाँ पे भी तेरी जो भी चीज होगी ना, उसके साथ तेरे को प्रिया की कोई ना कोई चीज जरूर मिलेगी। इसी को तो शेयरिंग कहते हैं ना। तेरी तेरी शर्ट्स के साथ प्रिया के कंगन होंगे, तेरे कलोन्स के साथ प्रिया का हेयर ड्रायर होगा, तेरे आईपैड के साथ उसकी मेकअप किट होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। जैसे कि नेहा की चीजें मेरी चीजों के साथ होती। हाँ, वैसे भी अब हम मर्दों को तो शादी में थोड़ा ज्यादा एडजस्ट करना पड़ता है ना। ऑफ कोर्स विक्रम, सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट तो तुम मर्दों को ही करनी पड़ती है। आफ्टर ऑल शादी के बाद अपना घर छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हें अपने ससुराल शिफ्ट करना पड़ता है ना। एंड राम, स्टॉप बीइंग अ चाइल्ड। अरे तुम दोनों की शादी होने वाली है, और शादी का ये मतलब नहीं कि बस रस्मों की वजह से दो जिंदगियां जुड़ गईं। नहीं, तुम दोनों अपनी जिंदगी एक साथ शेयर करने वाले हो, तो ये कमरा तो तुम आराम से शेयर कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, क्योंकि इन उसके सामने ये छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स कुछ मायने नहीं रखती। मेरी पसंद के मुताबिक बना हुआ, मेरी मर्जी से चलता हुआ ये कमरा, या कि छोटी सी छोटी चीज में मेरी परफेक्शन की पहचान है, और अब पता नहीं वो लड़की आकर इस कमरे का क्या हाल करने वाली। I don't believe this. ये सब मेरे साथ हो रहा है। जिस आदमी की मुझे एक भी चीज, एक भी आदत पसंद नहीं है, उसके साथ मुझे अपनी पूरी जिंदगी शेयर करनी पड़ेगी। नाना करके इनके जिंदगी में तो जगह मिल गई मुझे, लेकिन इनके कमरे में जगह इम्पॉसिबल। ऑल द बेस्ट प्रिया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।